हिसार के नेशनल हाईवे 52 पर स्थित सरसोद बिचपड़ी बाडो पट्टी टोल प्लाजा पर किसानों और पुलिस में काफी झड़प और धक्कामुक्की हुई। आज किसान सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। 11 बजे से 3 बजे तक उन्होंने प्रदर्शन करने का ऐलान किया था और पुतला फूकने का आह्वान यहां पर किया हुआ था। जैसे ही कुछ पुतला फूकने के लिए किसान युवा लड़के यहां पर पहुंचे तो पुलिस को लगा कि वो रास्ता जाम कर रहे हैं। इसको लेकर के पुलिस कप्तान डीएसपी यहां पर पहुंचे और किसानों के साथ धक्कामुक्की हो गई। किसानों का आरोप है कि डीएसपी कप्तान ने जानबूझकर किसानों पर धक्कामुक्की की है, जबकि किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन यहां पर कर रहे थे। अपने सहयोगी के साथ अनुप कुंडू हिसार।